Hello everyone, you are welcome to Best Note Tutorials. And as you know, we are doing some MCQ series from previous year exam papers. और ये जो सीरीज है बहुत हेल्प करने वाली है आपको आपके एग्जाम पेपर में, क्योंकि ये एक बेस्ट चीज है कि अगर आप लोगों ने पहले MCQ सीरीज की है तो हम पूरे 5 से 6 साल के MCQ सीरीज इसमें करने वाले हैं. तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना स्कोर. चलिए शुरू करते हैं आज का MCQ सेशन. तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए. सर थॉमस ब्राउनिस अर्न बरियल वॉज प्रॉम्प्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ एंशियंट बरियल अर्न्स नियर नॉर्विच, द कंटेम्पररी रिसर्चेस ऑन बरियल राइट्स इन द नॉर्वे, द डेथ ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असिस एंड हिज बरियल, द पब्लिकेशन ऑफ इंग्लिश बुक ऑफ कॉमन प्रेयर. योर आंसर इज फर्स्ट द डिस्कवरी ऑफ ancient burial urn near Norway. Next question for you. Identify from the among the following these those that cannot be called war fiction. War fiction उसे कहते हैं जो war के time में लिखा गया था, usually World War First and Second. So आपके पास option है A Modern Instant, Catch 22, The Age of Innocence and The Naked and the Death. So आपका answer है A Modern Instant and The Age of Innocence, both are not war fiction. पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए. Who among the following writers was not the one identified with the movement of 1950s England? तो जो 1950s England में का जो movement था, उसमें कौन सा जो writer था, वो include नहीं था. अब options देख लेते हैं. Options are here: Roy Fuller, Kingsley Amis, Philip Larkin. डोनाल्ड डेविस. तो आपका आंसर है 1950s के जो मूवमेंट में नहीं थे वो थे रॉय फुलर. इसका मतलब है कि किंग्सले एमिस, फिलिप लार्किन और डेविस, डोनाल्ड डेवी, ये क्या है आपके 1950s के मूवमेंट से संबंधित है, रिलेटेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज नॉट बिलोंग टू नूरुद्दीन फराज ब्लड इन द सन ट्रायलॉजी. जो ब्लड इन द सन ट्रायलॉजी है उससे रिलेटेड नहीं है. मैप्स, नोट्स, गिफ्ट्स और सीक्रेट्स. तो आपका आंसर है सेकंड, नोट्स. अब ये क्या है आपका रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब मैप्स, गिफ्ट्स एंड सीक्रेट्स रिलेटेड हैं. तो इसी तरह से अगर एमसीक्यू से हम सीखने की कोशिश करें तो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट भी हमें याद हो जाते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. इन द फॉलोइंग सीरीज विच वन हैज ऑल द पोइट्स करेक्टली मैच्ड इन द पोएम. पोएम और उनके राइटर्स हैं, तो जहां पे करेक्ट जो आपके आंसर हैं वो आप लोग देख सकते हैं. तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दूंगा, आप लोग वीडियो पॉज करके भी इसे पढ़ सकते हैं और फिर नेक्स्ट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा. इसलिए मैं आप लोगों को सिर्फ स्क्रॉल करके इसको दूंगा, थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहा हूँ पढ़ने के लिए. आप लोग इसे पढ़ सकते हैं और फिर फाइनली हम आंसर्स देखेंगे. तो इसका आंसर है आपका फोर्थ वन, स्केल, पोइट लवर, बर्ड वॉचर, रामानुजन, स्मॉल स्केल एंड रिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट हाउस बाय दत्त एंड अवर कैसुरना ट्री बाय महापात्रा, सनसेट एट पुरी. सो ये आपका आंसर हो गया फोर्थ. आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं और ये आप लोगों के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. नेक्स्ट इज फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस Regarding Ferdinand de Saussure's seminal distinction between language and parole. तो language और parole के बारे में उनकी क्या ideas थे उसे पढ़ लेते हैं. Parole is the particular language system, the element and the elements of which we learn as children and which is codified in our grammars and dictionaries. Whereas lang is the language occasion, what A says to B. A language consists in the interrelationships between lang and parole. ये आप लोग देख सकते हैं. And Saussure made this crucial distinction in a study called A Course in General Linguistics, 1916. और उन्होंने कहा कि जो lang है, lang is particular language system, the element of which we learn as child and which is codified in our grammar and dictionaries. Whereas parole is the language occasions, what A says to B. तो आपका आंसर है A. तो A को देख लेते हैं एक बार अच्छे से.
पैरल इज पर्टिकुलर लैंग्वेज सिस्टम, पैरल क्या है, एक लैंग्वेज का एक सिस्टम है दैट द एलिमेंट्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ विच वी लर्न एज चिल्ड्रन, जो हम पैरल उन्होंने कहा कि हम बच्चों जब हम बच्चे होते हैं तो उन एलिमेंट्स को जिनको हम सीखते हैं उसी को उन्होंने पैरल कहा, एंड विच इज कोडिफाइड इन आर ग्रामर एंड डिक्शनरीज, वेयर इज लैंग इज द लैंग्वेज अकेजन वट ए सेज टू बी। सो आपका ए आंसर है इसका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, जॉन हेवुड रोट अ फार्सिकल इंटरल्यूड कॉल्ड द फोर पीस, जो जॉन हेवुड थे उन्होंने एक फार्स इंटरल्यूड लिखा था उसका नाम था फोर पीस। अब इस फोर पीस में जो चार पी हैं वो क्या क्या हैं तो आप लोग पढ़ सकते हैं, पामा, पैडलर, पोथकैरी एंड पैकर, प्रिंटर, पैडलर, पोथकैरी और पामा, पैडलर, पार्सन, पामा और पोथकैरी, एंड पामा, पार्टनर, पोथेकरी और अपैडला। सो आंसर इज योर फोर, फोर इज द आंसर, दीज आर फोर पीज इन जॉन हेवर्ड्स फार्सिकल इंटरल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द मैकेनिकल ड्रिल मेथड ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन द लर्नर हैज द फ्रीडम टू फ्रॉम मैनी रिस्पॉन्सेज, the learner's response is totally controlled and comprehension of the item by the learner is not required or comprehension of the item by learner is obligatory। चलिए इनको आप लोग पॉज करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपका जो आंसर है बी एंड सी आर आंसर हियर, द लर्नर्स रिस्पॉन्स इज टोटली कंट्रोल्ड एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द आइटम बाय द लर्नर इज नॉट रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, मैच द कैरेक्टर्स विद द नॉवल्स, आर्थर सीटन एंड मैलिन, आना वुल्फ, द स्विमिंग पूल लाइब्रेरी एंड बैकवर्ड्स, सैटरडे नाइट एंड संडे मॉर्निंग। सो ये आप लोगों के पास में ऑप्शंस है, आप लोग वीडियो पॉज करके इनके बारे में सोच सकते हैं। सो हियर आर द कोड्स फॉर यू, आंसर इज सेकेंड, सो यू कैन मैच ऑल दीज। सो इन दिस क्वेश्चन द वेरी लास्ट पैसेज ऑफ अ नॉवल इज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द नॉवल। अभी लास्ट नॉवल, नॉवल का लास्ट एक पोर्शन है जो आप लोगों को देखना है। वेलकम ओ लाइफ, आई गो टू एनकाउंटर फॉर द मिलेनियस टाइम द रियलिटी ऑफ एक्सपीरियंस एंड टू फॉरगिव इन द स्मृति ऑफ माई सोल an uncreated conscience of my race, April 27, old father, old artificer, stand me now and ever in good stead। So आपको इसका आंसर बताना है। आंसर्स में आप लोगों के पास ऑप्शन है, टू द लाइट हाउस, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, मॉरिस, एल्मेयर्स फॉली। सो योर आंसर इज अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। सो होपफुली यू like the series and it helped you in learning something, so if you liked please do thumbs up the video and see you in next video, next part of this series।